लाना चाहिए। बामकसद तनकीद और इख्तलाफ को जमहूरियत का हुसन कहा जाता है, लेकिन अगर सियासत और इख्तलाफ राय के नाम पर मुल्क के खिलाफ ही बातें होने लगे तो मुहिब्बे वतन हलकों की तश्वीश बजा है। नामनिहाद कौम परस रहनुमा मुमताज भुट्टो ने भी यही रविश इख्तियार करते हुए अपना गुस्सा मुल्क पर निकालना शुरू कर दिया है। कराची में जमात इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन के साथ बैठकर मुमताज भुट्टो ने मुल्क की सालमियत के हवाले से जो भी बातें की, इससे सब हैरान हो गए। इलेक्शन तक इंतजार करेंगे तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं, तो मुल्क ही नहीं रहेगा। इलाकाई सियासत करते करते ना जाने वो कब और कैसे पूरे मुल्क के ठेकेदार बन गए। हुकूमत पर तनकीद तक तो ठीक है, लेकिन वो तो मुल्क खत्म होने की बातें इस तरह कर रहे थे जैसे ये इनकी कोई दबी हुई ख्वाहिश हो। मुल्क की हालात ऐसी बन गई है कि ये धरती खतरे में पड़ गई है। आज इनके दिल में मुल्क का दर्द उठा है, लेकिन रियासत और विफाक के खिलाफ इनके ख्यालात से सब वाकिफ हैं। ये वही मुमताज भुट्टो हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में अपनी भतीजी बेनजीर भुट्टो का साथ छोड़ा और आमिरों का साथ दिया। मुल्क में जमहूरियत बहाल हुई तो उन्होंने कौम परस्ती का लिबादा ओढ़ लिया, अब खुले आम मुल्क के खिलाफ बातें कर रहे हैं।